बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जिथे के तीन नौजवानों की इकट्ठिया मौत हो गई है। जी हाँ, तीनों नौजवानों के शरीर से तेजधार हथियारों के अते वड टुक के निशान मिले ने, जिस तो बाद परिवार एक पासे इस पूरे मामले च कतल का शक जता रहा है। दूजे पासे कहा जा रहा है कि नौजवान एक मोटरसाइकिल से सवार से जिसकी के स्कॉर्पियो नाल भयानक टक्कर हो गई और तिना नौजवानों की मौत हो गई। पर हुण ये तिना नौजवानों की मौत परिवार अते पुलिस लई गुत्थी बन गई है। दरअसल अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया तो यह पूरा मामला सामने आया जिथे के तीन नौजवानों की भेद भरे हालात च मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि बाईपास से देर रात एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो की भयानक टक्कर हुई, जिस दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन नौजवानों की मौत हो गई। पर परिवार ने शक जताया है कि उन्होंने बच्चों का किसी वालों कतल किया गया, जिस तो बाद हुण पुलिस ने इस मामले च कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दरअसल मृतकों के परिवारक मैंबर ने दोष लगाया कि उन्होंने बच्चों की मौत एक्सीडेंट नाल नहीं हुई, सगों उन्हों का कतल किया गया। उन्होंने कहा है कि नौजवानों पिछले कई दिनों तो धमकियां मिल रही सी, जिसनों लैके उन्होंने शक है कि धमकियां देने वाले लोगों वालों ही उन्होंने कतल किया गया। इस पूरे मामले च परिवार का की कहना है तुहानू पहला सुना दें, फिर पूरा मामला भी दसांगे। उन्हें एक्चुअली राती तीन जने सीगे, पहले मेरे ब्रदर नु फोन आया कि वो पहले घर ही आ रहा सीगा, काफी लेट नाइट ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਟਸ ਅ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਲੰਟ ਉਹਦੇ ਕਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਹੇਅਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟਾ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਡੈਡ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ? ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਲਾ ਕਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਸਨੀ ਤੇ ਹਰਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ दोषी पाया गया उस खिलाफ बनती कानूनी कारवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने कहा है कि फिलहाल लाशा नु कब्जे च लै लिया गया है, पोस्टमार्टम करवा के लाशा नू परिवार दे हवाले कर दिता जाएगा। पर पुलिस इस मामले च कतल दे शक तो भी इनकार नहीं कर रही। पुलिस का कहना है कि जो भी इस मामले च तथ्य सामने आएंगे उन्होंने नाल सख्ती नाल नजिठिया जाएगा। सर राती करीब 11:45 एक नामलूम व्यक्ति का फोन आया कि खनम पेपर मिल तो थोड़ा अगे आके जिथे जाड ट्रक खलोते होंगे उसके सामने एक कुछ बंदे जिहड़े आ उह जख्मी हालत दे विच पए ने और उन्हां दी मौके ते मौत भी हो चुकी है। जिस ते मने असीं समेत साथी कर्मचारियां मौके पर पुज्जा जाके देखिया ते सड़क दे किनारे एक पाची मोटरसाइकल लाल और काले रंग दा पिया सी, पल्सर मोटरसाइकल सड़क दे किनारे लाल ते काले रंग दा पिया सी, ते लागे दो लाशां पईआं सन ते तीसरे बंदे नूं कुछ राहगीर ने सवारी का प्रबंध करके गुरु नानक अस्पताल भेज दिता। तो बाद च पता लगा कि स्ट्रेचर से पा के जो गुरु नानक अस्पताल के अंदर ले जा रहे थे उसनू डॉक्टर साहब ने बाहर आके देखा तो वो भी मौत हो चुकी, जिससे
तिना लाशा दो लाशा जी सिविल अस्पताल मोचरी दिखाया गया, तीजे सिविल अस्पताल गुरु नानक अस्पताल दिखाया गया। उस तो बाद सवेर तो ही असं जो टीम ला के कैमर की चैकिंग कर रहे हैं, वेरके तो लेके गंटाले तक टीम लगियां, जेडे खंडा पेपर मिलते कैमरे चैक किए गए, सामने मॉल के भी कमरे चैक किए गए जिते लाशा पन और हल्दी घड़ी कुछ भी सामने नहीं आया। फिर भी हम मुकदमा दर्ज कर दिता गया है जिदा एफ आई आर का नंबर कुछ ही मिनटों में आप जी प्रोवाइड हो जाएगा। तो लाशा का पोस्टमार्टम करा के वारसा वाले की जाएगी। अगर दौराने तफ्तीश कोई यहोजा कारण पाया जाता कि एक्सीडेंट का जी रंजिश का ज कतल का तो वाधा जुर्म करके वो बंद की गिरफ्तारी पाई जाएगी और इन्होंने इंसाफ दवाया जाए। तो उधर परिवार ने मांग की है कि उन्होंने जल्द तो जल्द इंसाफ दिता जाए, बनती कानूनी कार्रवाई दोषियों खिलाफ की जाए और आले दुआले के सीसीटीवी कैमरे खंगाल के जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि परिवार ने चेतावनी दी है कि जेकर उन्होंने जल्द इंसाफ ना मिले तो उन्होंने वालों सड़क जाम करके रोस प्रदर्शन किया जाएगा और इन्हां नौजवानों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले च पुलिस जांच की निकल के सामने आता है, ये देखना बाकी होगा। पर इकट्ठिया हुई तीन मौतों ने परिवारों पूरी तरह झंझोड़ के रख दिता है। अमृतसर तो हरजीत गरेवाल, सेंट्रल पंजाब टीवी।